हेलो दोस्तों, नमस्कार। पी के मौज मस्ती चैनल पर मैं पी के श्रीवास्तव आप लोगों के यूट्यूब चैनल की ओर से सुस्वागत से अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो आज का जो सेशन है बहुत धमाकेदार बवाल होने वाला है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। आप लोगों को मैं समक्ष जो है बुद्धि का भंडार यानी एग्जाम से रिलेटेड बुद्धि का भंडार प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, रीजनिंग पार्ट 51 यानी रीजनिंग पार्ट 51 का टॉप 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि निम्नलिखित समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, ठीक है, यानी ये हल किया गया है आधार पर हल किए गए, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर जानते हैं यानी जो नहीं किया हुआ यानी ए, इस पे यहाँ पर आपको क्या आएगा वो संख्या बताना होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि कैसे इनको और इनको सॉल्व किया है। अगर इनको इन दोनों का अगर सॉल्यूशन आप समझ जाएंगे कि इसने क्या किया है, देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ, इसने 2, 4 और 6 को क्या किया है कि 48 आया है, 3, 2 और 8 को क्या किया है कि ये 48 आया है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको करना क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों इसने क्या किया है कि अगर ये 4 और 6 को आपस में गुना कर दिया है, गुना कर देते कितना होगा दोस्तों, 6 का 24 से और इसको 2 को जो है ना गुना कर दिया, 24 × 2 कितना होगा दोस्तों, 48। देखिए 48 आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर, ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, 3 और 2 को गुना करेंगे कितना होगा दोस्तों, 3 और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 × 2 = 6, 6 और 8 को गुना कर देंगे तो कितना होगा, 8 × 6 = 48। चाहे आप इस तरह से गुना कीजिए या फिर 8 और 2 को गुना कर दीजिए कितना होगा, 8 × 2 = 16 और 16 को 3 से गुना कर दीजिए कितना होगा, 16 × 3 = 48। कंसेप्ट क्लियर, 48 आ रहा। अब आपको यहाँ पर निकालना है कि क्या होगा, ठीक है, तो देखिए क्या होगा दोस्तों। जिस तरह इसमें और इसमें किए उसी तरह इसमें करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों 7 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 35, और 35 को 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 70, ठीक है। चलिए अब इधर से करते हैं, 5 और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 5 × 2 = 10, और 10 और 7 को गुना कर देंगे तो कितना होगा दोस्तों, 70, यानी ये भी 70। तो देखिए ऑप्शन नंबर 70 कौन सा ऑप्शन, मैं तो ऑप्शन नंबर 70 मेरा करेक्ट आंसर जो है 2 आंसर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, आज का यह दूसरा क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, यानी अगला संख्या यहाँ पर आपको बताना। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो श्रृंखला संख्या का सीरीज है, 4 है 8 है 11 है 22 है और 25 है, यहाँ पर आपको संख्या क्या आएगा वो बताना होगा। तो दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इसमें बस दिमाग लगाना है। देखिए दोस्तों 4 और 4 कितना, 4 का जो मतलब वृद्धि हुआ है, फिर 8 और 3 मतलब 3 का वृद्धि हुआ है, और इसके बाद 11 और 22 कितना हुआ, 11 को, यानी 11 3 इसके बाद 4, यानी देखिए कैसा जो है सर्कुलेशन बन रहा है, इसके बाद 22 के बाद जो है 25 यानी 3 का सर्कुलेशन बन रहा है। तो देखिए इस तरह से जो है यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 11 आया, यहाँ पर 3 आया, इस तरह का जब आए क्वेश्चन में तो समझो कि इस तरह से मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो नियमित अंतराल से आना चाहिए, यानी एक अंक छोड़ के एक अंक आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 हुआ तो फिर यहाँ पर 3 हुआ तो फिर यहाँ पर 4 होना चाहिए, फिर यहाँ पर 3 होना चाहिए, इस तरह से आता तब सही होता, लेकिन चलिए ये इस तरह से नहीं बनेगा दोस्तों। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये देखिए 4 को क्या किया है, गुना कर दिया 2 से, कितना हुआ, 4 × 2 = 8, ठीक है, कंसेप्ट ये वाला क्लियर। अब चलिए यहाँ पर 11 को क्या किया, 2 से गुना कर दिया, कितना हुआ, 11 × 2 = 22। अब देखिए 25 को उसी तरह से हम 2 से गुना करेंगे कितना होगा दोस्तों, 25 × 2 = 50। देखिए 50 ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 50 मेरा करेक्ट आंसर बी में है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन बता दो, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि 84 + 96 को 48 और 42 लिखा है, ठीक है, कितना, 4842 लिखा है, तो 36 + 78 को हम क्या लिखेंगे। देखिए रीजनिंग का अर्थ ही होता है दोस्तों कि आपको एक एग्जाम्पल दिया रहेगा बना हुआ, और उसी के एग्जाम्पल के तरह जो है ना आपको एक
सवाल भी रहेगा। जैसे ये देखिए, ये आपको एग्जाम्पल हो गया और ये आपको सवाल हो गया, ठीक है। तो आपको इसको समझकर, यानी इसको समझकर आपको इसको बनाना है। रीजनिंग का अर्थ ही ऐसा होता है और जो है रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा होता है। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखिए 48 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, यानी छियानवे को अगर हम 200 यहाँ पर भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 48 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 84 को जो है हम 200 भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 84 को अगर 200 हम भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 42 आएगा। 42 दो ना 84, यहाँ पर 42 देखिए आ रहा है, 48 42 आ रहा है, समझ में आ गया। अब पहला तो आप समझ गए, अब दूसरा बनाइए। देखिए दूसरा कैसे बनेगा, दूसरा कुछ ही तरह कीजिए आप। जो है 78, यानी ज़्यादा संख्या ये 78 है ना, तो 78 को लीजिए। 78 में जो है हम दोस्तों अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 39 आएगा, ठीक है। इसके बाद अब लीजिए 36 को जो है अगर हम 2 से भाग देंगे दोस्तों तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा आपको 18, ठीक है। यानी 39 और 18 कितना आएगा, 39 और 18। देखिए ऑप्शन नंबर 39 और 18 कौन सा ऑप्शन में है, 39 और 18 मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जरूर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं उन्हीं क्वेश्चन का आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ जो एग्ज़ाम से रिलेटिव, गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। मैं यकीनन कहता हूँ कि आप पीके मौज मस्ती चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद जो है ना, आप लोगों को रीजनिंग और मैथ जो कि ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, इसीलिए अगर आपको जानकारी ना रहेगा दोस्तों तो क्या होगा, आप मार खा जाओगे। इसीलिए जो है आप चैनल से जुड़ जाइए और रीजनिंग मैथ जो है आप लोगों को सुबह जो है पीके मौज मस्ती चैनल पे 7 AM पे जो है ना दोस्तों, आप लोगों को एक रोज़ मैथ और एक रोज़ रीजनिंग का क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ दोस्तों। तो इसीलिए चैनल से जुड़ जाइए, जुड़ने के बाद आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप लोग सबसे पहले वीडियो देख पाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है दोस्तों। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि कौन सा आर्यक मानव प्राणी, ये एक शब्द हुआ, मानव प्राणी एक ही शब्द हुआ दोस्तों, शिक्षक और स्नातकों को बीच सामान्य का सही निरूपित करते हैं। यानी ये देखिए, ये मानव प्राणी एक हुआ, शिक्षक एक हुआ और स्नातक, स्नातक मतलब बीए जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको कहते हैं स्नातक। और पीजी का मतलब होता है जो एमए कर रहा है, जो एमए किया हुआ है, ठीक है, उन सबको। देखिए दोस्तों ये तीनों जो है कैसे जो है ना एक दूसरे से संबंधित है, आपको वैसे वेंडग्राम बनाना है और जो बना हुआ है उसको इसमें आपको चुनना है कि इसका वेंडग्राम ये सही होगा। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ कि इसका वेंडग्राम किस तरह से बनेगा। देखिए दोस्तों मानव प्राणी जो है, मानव प्राणी ही जो है वो क्या होता है दोस्तों, शिक्षक बनता है। और शिक्षा का क्या होता है, अगर आप शिक्षक बन रहे हैं तो आपको नॉलेज रहेगा तभी तो आप शिक्षक बनेंगे ना। तो शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ाई करना होगा। तो वही शिक्षक जो क्या किया, स्नातक किया हुआ है, यानी बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है और पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएड किया, बहुत कुछ किया है, तो वो मतलब पढ़ाई किया स्नातक, तभी वो शिक्षक बनाते। इसका वेंडग्राम किस तरह से बनेगा दोस्तों, ये एक सर्कल हो जाएगा, किस चीज़ का, मानव प्राणी का, यह एक सर्कल हो गया, ठीक है, मानव प्राणी का एक सर्कल हो गया। इसके बाद क्या होगा, शिक्षक, इसके अंतर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक शिक्षक आ जाएगा। और शिक्षक में क्या होता है दोस्तों, कुछ शिक्षक जो है पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजीएमए होता है और कुछ जो है दोस्तों स्नातक होता है। तो इसका वेंडग्राम इस तरह से बनेगा दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन नंबर इस तरह से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर जो है ये करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का त्रुटि अगर आप लोगों को होता है तो ज़रूर यह कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, यानी संबंधित संख्या को आपको चुनना है। ये 43 जो दिया हुआ है दोस्तों, 43 का रिलेटिव कैसे 12 से, यानी 43 को क्या किया कि इसने यहाँ पर 12 लाया है, ठीक है। उसी तरह 39 को क्या करेंगे कि यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चार ऑप्शन में से कोई एक संख्या आएगा और वो आने वाली संख्या को आपको चुनना है कि ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये और या फिर ये कौन होगा। तो देखिए दोस्त इसने क्या किया है कि 43 जो है, ये 43 है, 43 को इसने क्या किया है, 4 और 3 है 43, इसको आपस में गुना कर दिया है। तो 4 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 12। देखिए यहाँ पर 12 आया हुआ है,
कंसेप्ट क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का त्रुटि अगर आप लोग देख रहे हैं तो ज़रूर जो है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर आपके वीडियो में या फिर आपसे मैं इस तरह का त्रुटि देख रहे हैं, तो मैं आगे वाले वीडियो से इस तरह का त्रुटि आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत ना करेंगे और ना होने देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों क्या करना है, इसको करना क्या है, इसको करना क्या देखिए 39 है तो 39 को भी आपस में हम गुना कर देंगे, तीन और नौ को गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 27। तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 27। देखिए ऑप्शन नंबर 27 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 27 मेरा करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा था जरूर जो है कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो में किसी भी प्रकार का अगर त्रुटि, अब कितना विद्यार्थी समझते होंगे कि सर त्रुटि का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों त्रुटि का मतलब होता है कि अगर किसी भी प्रकार की गलती वीडियो में देख रहे होंगे तो ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं आगे से जो वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा तो उसमें इस प्रकार की गलती ना होने दो और ना होने देने के बाद आप लोगों को प्रस्तुत मैं नहीं करूंगा। इसीलिए कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ पी के मौज मस्ती चैनल पर जो है मॉर्निंग में 7 AM पर जो है ना दोस्तों आप लोगों की एक रोज़ मैथ और एक रोज़ रीजनिंग का क्लास आप लोगों को समक्ष प्रोवाइड करवाता हूं। आने वाले समय में जो है ना बहुत से कमेंट आ रहे कि सर आप करेंट अफेयर का भी पढ़िए, जनरल अवेयरनेस का पढ़िए, तो ज़रूर आप लोगों को कमेंट वही मैं देख रहा हूं कितना विश्वास आप लोग विश्वासी है मेरे ऊपर, ताकि हम भी आपके ऊपर समक्ष जो है कर्तव्यहीन करके आप लोग समक्ष प्रस्तुत करें, अच्छा सा सा PDF प्राप्त आप लोगों के समक्ष मैं करूं और अच्छा सा सा आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए है करेक्ट कर पाए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, पीके मौज मस्ती चैनल को सदस्य को दे दीजिए, बाकी बात कल फिर मिलेंगे। ओके बाय।